आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या मतलब करंट कैसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है, और केमिकल रिएक्शन से कैसे करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। एक ऐसा सेल जो करंट के हेल्प से केमिकल रिएक्शन कर सकता है, या फिर केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अ सेल विच कैन जनरेट करंट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, और इट कैन प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद द हेल्प ऑफ करंट को मैं शॉर्ट में आई लिख देता हूँ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है गैल्वानिक सेल एंड दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। केमिकल रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। तो पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ओके है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, अभी अभी तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं। हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ गैल्वेनिक सेल। सपोज एक कंटेनर है, उस पर हम एक मेटल रॉड डाल देंगे और उसी मेटल रॉड का सॉल्यूशन डालेंगे। ये एक मेटल रॉड है, अब उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ डाल देंगे, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोड। तो मैं इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोड कब बनता है? व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन देन इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोड देन इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोड। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक को ZnSO4 सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो भी एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। तो फॉर एक जनरल फॉर्मूला के लिए हम एक अननोन मेटल लेते हैं M, ये मेटल M है। इसका सॉल्यूशन जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जिंक को जिंक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सॉल्यूशन स्टेट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Zn2+, ये जिंक मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रोड है। तो उसी तरीके से एक अननोन मेटल है, उसका सॉल्यूशन फेज में उसका भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उसको हम ले लेते हैं Mn+। यहाँ पर जो मेटल है वो Mn+ की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, या दो चीजें हो सकती हैं यहां पर। जैसे कि केस वन,
केस वन में अगर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां मैं शॉर्ट में डिफाइन कर लेता हूं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आप देखेंगे सपोज जिंक जो है, अगर कोई भी चार्ज नहीं है मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर वो कन्वर्ट हो गया दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ की स्टेट पे, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ रहा है. तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ उसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं. तो केस वन, अगर ऑक्सीडेशन हुआ, इफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो क्या हो सकता है, यहां पर जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन फेज में आ जाएगा. द मेटल रॉड और द मेटल फ्रॉम द रॉड विल कन्वर्ट इनटू Mn प्लस आयन फॉर्म. तो उसका अगर केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, मेटल सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Mn प्लस. तो हमने डिफाइन नहीं किया कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम n प्लस ही ले रहे हैं. ठीक है, अगर n प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, n इंटू इलेक्ट्रॉन. जैसे जिंक यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब 2 प्लस स्टेट पे आया, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन हो जा रहा ना. यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हम लिखेंगे n इंटू इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू इलेक्ट्रॉन. उसी तरीके से ये जनरल फॉर्मूला हमारा बन गया. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन का. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां से मेटल यहां आ गया Mn प्लस फॉर्म में आ गया. ठीक है, अगर यहाँ Mn प्लस फॉर्म में आया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आना यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है यहाँ पर. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, अगर तो Mn प्लस आयन अगर यहाँ आया तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. सिंपल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ हम एक नोटिस कर सकते हैं, जब भी चार्ज का सेपरेशन होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, जिसको हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे हम इसको. ठीक है, तो ये जो है केस वन है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन फेज में आ रहा है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर. अगर केस टू होता मतलब अगर रिडक्शन होता, दूसरा रिएक्शन लिखते हैं जिसमें कि रिडक्शन होगा. रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. केस टू, इफ रिडक्शन टेक प्लेस, इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होगा, Mn प्लस आयन जो है, Mn प्लस आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू मेटल सॉलिड. यह है रिडक्शन का रिएक्शन. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट है प्रीवियस केस के, ऑपोजिट ही है. तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. जो हमने पिछले केस में येलो येलो करके पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ था, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज Mn प्लस आयन, यहां पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन फेज में पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो रहा है. पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी अगर कम हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा. ठीक है, यहां पर हम इसको रब करके नेगेटिव चार्ज कर देते हैं. यहां पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, तो यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है. ठीक है, हमने दो केस स्टडी किया, एक में ऑक्सीडेशन केस और दूसरे में रिडक्शन केस. अगर सपोज
दो टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, दोनों का अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है? आप सोचिए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। दो टाइप के इलेक्ट्रोड बनाए मैंने, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा। तो यहां पर शॉर्ट में हम एक चीज याद रखते हैं, जैसे कि एक वर्ड है लोन। हम चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर गैल्वेनिक सेल हो, लेफ्ट में हमेशा उसी चीज को रखेंगे जो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और उसको हम एनोड ही बोलेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ इसका फुल फॉर्म जो है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, लेफ्ट हमेशा एनोड रहेगा और वहां पर ऑक्सीडेशन रहेगा, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेफ्ट में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था इस मेटल रॉड पे? फर्स्ट केस में हमने देखा था कि मेटल रॉड में ऑक्सीडेशन अगर हुआ है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, ठीक है। सेकेंड केस में रिडक्शन हुआ था, तो राइट में हम क्या कर रहे हैं, यहां मैं लिख देता हूं, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और राइट में रिडक्शन, राइट में रिडक्शन, ठीक है। तो पहले तो हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? एक मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे, इसी मेटल को हमने इसके सॉल्यूशन में डिप किया, तभी इलेक्ट्रोड बना। तो हमने ये एज्यूम किया कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इस मेटल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन हो रहा है। इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं क्योंकि रिडक्शन केस में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब इनको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक वोल्ट मीटर रखते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर का जो पॉइंट है वो इधर उधर फ्लक्चुएट होगा, मतलब इधर उधर फ्लक्चुएट तो नहीं होगा, करंट के डायरेक्शन में फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है। करंट क्यों फ्लो करेगा? आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल फ्लो, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेचर का ये एक रूल है कि जहां पर पोटेंशियल ज्यादा रहता है वहां से मूव करते हैं, जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से सॉल्वेंट मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने लायक ये है कि अगर कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, नो डाउट, बट करंट क्या फ्लो करता जाएगा? करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज आफ्टर सम टाइम द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे कि यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया था, यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया था। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, मतलब दोनों पोटेंशियल जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो कर रहे हैं तो ये जो यहां जो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एम एन प्लस आयन जो है सॉल्यूशन फेज में आ रहा है, मतलब बहुत सारे एम एन प्लस आयन जब बढ़ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब पोटेंशियल जो है अपोजिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ड्यू टू द अपोजिंग ईएमएफ द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डैनियल सेल के बारे में बता देता हूँ।
डैनियल सेल, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक और कॉपर एज अ इलेक्ट्रोड यूज हुआ है उसको हम डैनियल सेल बोलते हैं। तो डैनियल सेल में अगर हमने जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया तो जिंक आएगा यहाँ पर, कॉपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जिंक इस साइड पे क्यों आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, इसलिए हम उसको ऑक्सीडेशन में रखेंगे, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा है। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि जिंक जो है लेफ्ट साइड पे है और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा सेल या ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक और कॉपर एज अ इलेक्ट्रोड यूज हुआ हो उसको हम डैनियल सेल बोलेंगे। अगर जिंक मेटल यूज हुआ है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ZnSO4 सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ZnSO4 सॉल्यूशन है तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होकर रहेगा, Zn2+ प्लस SO4 2- आयन की फॉर्म में रहेगा। एंड यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन यूज करेंगे वो है CuSO4 सॉल्यूशन। ये मैं डैनियल सेल की बात कर रहा हूँ, Cu2+ प्लस SO4 2- आयन, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑब्जर्वेशन देखता हूँ, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है करंट का डायरेक्शन हम चेक करते हैं, यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कैथोड टू एनोड। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। अब पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फोर्थ पॉइंट लिख दूंगा फिर। फोर्थ पॉइंट जो है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, अगर यहां पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो यहां पर उस जिंक सल्फेट का या Zn2+ का कुछ कंसंट्रेशन रहेगा, तो कंसंट्रेशन क्या स्टार्टिंग में जितना लिए थे उतना रहेगा या फिर वेरी करेगा। यहां कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन रहेगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ विल इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज अगर हमने जिंक मेटल लिया है तो जिंक 2+ सॉल्यूशन फेज में आएगा, सॉल्यूशन फेज में अगर आ रहा है तो जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन विल इंक्रीज। और यहां पर कॉपर 2+ का आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो कॉपर 2+ है, ठीक है, कॉपर 2+ जो है अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो यहां पर जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर केमिकल रिएक्शन में लिख देता हूं, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर 2+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड। तो यहां पर सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है मतलब Cu2+ कम हो जा रहा है। इसका मतलब हम ये लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस इज डिक्रीजिंग और विल डिक्रीज, ठीक है। अब बात आती है जो मेटल हमारा है, मेटल का जो मास है क्या वो कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरी करेगा। जो हमने स्टार्टिंग में जिंक मेटल लिया था, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर कि यहाँ जिंक जो है Zn2+ की फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, मतलब मास ऑफ जिंक मेटल विल डिक्रीज,
मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ जिंक मेटल, मास ऑफ जिंक मेटल विल डिक्रीज, विल डिक्रीज, ठीक है। और यहां पर कॉपर टू प्लस, सपोज कॉपर टू प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहीं चिपक गया है, ठीक है, तो कॉपर टू प्लस या कॉपर का मास जो है वो बढ़ेगा, मास ऑफ कॉपर विल इंक्रीज, मास ऑफ कॉपर विल इंक्रीज। और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, एज अ रिजल्ट द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है,